हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस लेवल का मशीन इनपुट आउटपुट। सिंस हम लोग पजल्स और डीआईज कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन में स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, हम उनको भी साथ साथ में करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज ये कुछ हटके सेशन रहेगा। मैंने एक मशीन इनपुट आउटपुट के ऊपर पहले भी सेशन लिया था, आई होप आपने वहाँ से थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिए होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो नंबर पे बेस्ड है। जैसे हमने पहले किया था उसमें कुछ लेटर्स भी आ रहे थे, आज वाला नंबर पे बेस्ड है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। तो ये जो कंटेंट होगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। एस्पिरेंट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना शुरू करो कि देखो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है। इज दैट ओके? जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो उसके बाद हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी एक बार शो कर देती हूँ। ये हमें बनाना है, कॉन्सेप्ट आप वहां से देखोगे, बनाना आपको इसको है और क्वेश्चंस आप ये वाले सॉल्व करोगे। इज दैट ओके? इज दैट फाइन? चलो शुरू करते हैं। देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि अ स्ट्रिंग नंबर्स इज गिवन एज एन आउटपुट। ये हमें नंबर्स का कुछ इनपुट दिया गया है, उससे हमें आउटपुट निकालना है। स्टेप्स बताए गए हैं एक सर्टेन लॉजिक लगा के, और हमें फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक पहुंचना है, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा है, ईच स्टेप इज द रिजल्टेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेप। मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये इससे रिलेटेड होगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे हमें केयरफुल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, जब भी आपको नंबर्स या लेटर्स वाले आ जाए। लेटर्स का तो मैंने आपको सेशन में बता दिया था ना। नंबर्स आ जाए तो आप क्या चेक करोगे कि सभी डिजिट्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सभी डिजिट्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, या फिर डिविजन हो रहा है। बताऊंगी कैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या फिर स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये इनपुट आउटपुट में अप्लाई हो जाते हैं नंबर्स को देखें तो। ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों नंबर्स को आपने ऐड किया और रिजल्टेंट उसका आपने सेकंड में लिखा। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा कि आपने इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर उसका सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों डिजिट्स का जो एडिशन आया था उससे हमारा ये आउटकम निकला। दो डिजिट पहली उठाई, दो डिजिट बाद की उठाई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और ये रिजल्टेंट आ गया। ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है, एक डिजिट ये उठा लो, एक ये उठा लो, इनको प्लस कर दो, फिर इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको प्लस कर दो, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्क्वायर भी हो सकता है कि मान लो सभी डिजिट्स का हमने स्क्वायर किया और सबके स्क्वायर्स जो मतलब रिजल्टेंट निकला था हमने उसको ऐड कर दिया, या फिर इन दोनों डिजिट्स को प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया और दोनों को डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमें देखने पड़ते हैं कि हमारा पैटर्न किस वे में बन रहा है। लेकिन लगेगी सिर्फ यही चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इसी से ही हमें देखना है कि हमारे स्टेप के अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें हम देखते हैं कि हम लॉजिक इसके कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहां से देखो, सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन। इन सब का एडिशन कितना हो रहा है, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। 25 तो नहीं आ रहा, 25 का डबल कर लो तो भी नहीं आएगा, ट्रिपल कर लो तो भी नहीं आएगा, स्क्वायर कर लो तो भी नहीं आएगा। मतलब ये तो नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा, क्योंकि 25 चाहिए या फिर 25 से रिलेटेड कुछ चाहिए और आ क्या रहा है, 89 आ रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो कितना आया, 15। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इनका डिफरेंस लो 5, 5 का स्क्वायर भी नहीं होता, इनको मल्टीप्लाई कर दो 150 भी नहीं है ये। और क्या कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड करो 6, इन दोनों को ऐड करो 1, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो तो भी नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, मतलब ये वाला फैक्टर भी इसमें मल्टीप्लीकेशन का नहीं लग रहा। और क्या हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों डिजिट का आया था अपने पास 15, इन दोनों का आया था 10, दोनों को डिवाइड कर दो क्या आएगा, 1.5, ये भी नहीं आएगा। अब आप करो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को उठा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 28। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 48। तो अगर इसका हम लोग एडिशन भी लें तो 76 आता है।
कितना आता है 76, हमें चाहिए कितना 89, मतलब ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, स्क्वायर्स और क्यूब्स। देखो सभी डिजिट का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, 7 का 49, 8 का 64, 36 और 16, इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 9 और 12 कितना हो गया, 21, और 4 कितना हो गया, 5, 2, सही लिखा मैंने। अब यहाँ से देखो 4, 6, 10 और 12 और 15 और एक 16, 165 आ रहा है, लेकिन 165 नहीं, हमें तो 89 चाहिए, 89 नहीं आ रहा। अब देखो अपने को 89 चाहिए, राइट। स्क्वायर्स में इन दोनों को जोड़ के देख लो, इन दोनों को जोड़ के देख लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, जैसे हमने एडिशन में किया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 113, और 36 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 52। इनका डिफरेंस कितना आएगा, एक मिनट, 36 और 16, हाँ इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 1, और ये कितना आ गया, 61 आ गया, 61 आ गया, 61 भी नहीं आ रहा। और देखो अपने क्या कर सकते हैं, इसका तो आपने स्क्वायर ले लिया, इसका भी ले लिया, राइट। तो हम ये चीज कर सकते हैं कि इन दोनों के जो हमने स्क्वायर लिए हैं 49 और 64, उनको ऐड किया 113, माइनस किससे कर दिया, 6 × 4 से, 24 से माइनस किया, तो कितना आ जाएगा, 89। मतलब ये पैटर्न बन रहा है कि हमने इन पहली दो डिजिट के स्क्वायर को ऐड किया, उसमें से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस किया, 7 और 8 के स्क्वायर्स को ऐड किया, 6 × 4 करके लेस कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया। ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, दोनों का टोटल करो कितना आ जाएगा, 13, 9 × 8 कितना होता है 72। तो क्या इसमें हमारे पास डिजिट आ रही है, 59। यस, हमारा पैटर्न हमें समझ में आ गया कि हमें पहली दो डिजिट का स्क्वायर करके ऐड करना है, और बाद में क्या करना है, हमें बाकी की जो दो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा डिफरेंस जो है क्या उससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन रहा है। अगर ये भी नहीं बनता ना, फिर आप वाइस वर्सा करके भी देख सकते थे कि कैसे कैसे बनता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज्यादा लॉजिक्स आप सोचोगे ना माइंड के अंदर, उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और उतनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मैंने 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64, दोनों का टोटल कितना था 113, 6 × 4 कितना था 24, दोनों को माइनस किया कितना आया 89। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था 4, 3 का स्क्वायर था 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आया 72, इन दोनों का एडिशन कितना था 13, 72 − 13 कितना आया 59। यहाँ से देखो 7 का स्क्वायर कितना है 49, 6 का स्क्वायर कितना है 36, दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा 85, 9 × 4 कितना होता है 36, तो इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। 6 का स्क्वायर कितना है 36, 9 का स्क्वायर कितना है 81, इन दोनों का टोटल लगाओ 7, और ये कितना हो गया 117, और 4 × 8 कितना होता है 32, दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 85। हमें पहले स्टेप में, इनपुट से पहले स्टेप में जाना हमें आ गया, समझ में आ गई आपको बात। अब आपको इस पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है, वही चीज देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। 8 और 9 इनका प्लस क्या होता है 17 होता है, मतलब यहाँ हमें दिख रहा है कि एडिशन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं, 9 और 5 कितना होता है 14, ये तो नहीं बन रहा। 4 और 9 कितना होता है 13, ये भी नहीं बन रहा। 8 और 5 कितना होता है यहाँ पे 13 होता है, ये भी नहीं बन रहा। तो यहां से हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं बना, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर लेके देख सकते हैं, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 9 का स्क्वायर कितना है 81, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 145, नहीं, इन दोनों को लेस करके देख लेते हैं कितना आएगा 17। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है ये। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 9 का स्क्वायर कितना है 81, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा 56 आएगा। मतलब इन दोनों का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, और यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ गया। इज दैट ओके। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का कितना होता है 81, दोनों को लेस किया कितना आएगा 65।
यहाँ पे देखे तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को लेस किया कितना आ गया 39। यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आ गया। स्टेप वन में भी हमने स्क्वायर से खेला था, स्टेप टू में भी हम लोग स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अब स्टेप टू हमारे पास आ चुका है, स्टेप थ्री में हमें जाना है। उसने बोला है कि इन दो डिजिट्स को यूज करके हमारे पास 37 आया। ठीक है, सबसे पहले ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 37 से एक्सीड होगी, मतलब हमें नहीं करना। लेस करके देखते हैं, 56 माइनस 17 कितना होता है हमारे पास, 39 होता है, बट हमें चाहिए 37। ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से -2 कर दें, बट ये लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। 65 माइनस 39 कितना होता है आपके पास, 26 कितना होता है, 26 माइनस 2 करो 24 आएगा। ये वाला लॉजिक तो गलत जा रहा अपना। और हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन तो जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, डिवीजन तो नहीं होगा, इनका होल नंबर नहीं आएगा हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं, इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 6 7 × 5 कितना होता है, 35। दोनों को ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा, दोनों को लेस करेंगे तो भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहली पहली डिजिट देखेंगे, एक देखी 1, एक देखी 5, कितना आ गया 5, 7 और 6 कितना आ गया 42। प्लस करेंगे तो एक्सीड होगा, माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। मतलब आपने पहली डिजिट को पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी को दूसरी से करना है, दोनों का एडिशन कर देना। पहली को पहली से कितना आया 18, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करना है। दूसरी को दूसरे से किया कितना आया 45, कितना आ गया 45, 45 माइनस 18 हमारे पास कितना होता है 27। ये पैटर्न भी हमें समझ में आ गया। अब लास्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग इसके ऊपर वाले स्टेप का ही ले लेते हैं। 3 2 6 होता है, 7 7 49 होता है, इसके नियर है ही नहीं। 37 प्लस 27 एक्सीड होगा, 37 माइनस 27 जो है वो 10 आता है, और हमें चाहिए 5। ये ऑप्शन हमारे पास लग सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि डेफिनेटली यही है, हमारे पास ये ऑप्शन लग सकता है। हम स्क्वायर्स भी चेक करके देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का कितना होता है 49, कितना आ जाएगा 58, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना आ जाएगा 53। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारे पास 5 आ रहा है। या तो हमारे पास ये लॉजिक लग सकता है, या हमारे पास ये लॉजिक लग सकता है, और लॉजिक वही लगना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर आएगा। हमारे पास क्या आना चाहिए, होल नंबर। तो इसको हम अपने क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे देखेंगे कि क्या दोनों मेथड्स यूज करके कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास होल नंबर आए, तो वही मेथड हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि इनपुट दिया आपको, आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, स्टेप वन लेंगे। स्टेप वन में उसने यहाँ पे क्या किया था, ये दो डिजिट का उसने स्क्वायर का एडिशन किया था, और इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसने क्या किया था, माइनस किया था। तो हम लोग भी यही सेम करेंगे, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करो कितना आया 45, 7 9 8 9 72, तो 72 माइनस 45 आपके पास कितना हो जाएगा 27। यहां से देखो 9 9 81, 8 8 64, दोनों को ऐड किया कितना आया 145, और 8 7 56, राइट। तो यहाँ पे आपको, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 89, एम आई राइट। आगे देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 2 का स्क्वायर कितना है 4, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 13, 8 9 72, तो 72 माइनस 13 आपके पास कितना हो जाएगा 59, 2 2 4, 1 1 1, दोनों को ऐड किया कितना आया 5, 7 8 56, 56 माइनस 5 कितना हो गया 51। स्टेप वन हमने निकाल लिया, अब हम चलेंगे स्टेप टू पे। स्टेप टू में उसने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों डिजिट का स्क्वायर किया था, और उसको क्या किया था, माइनस किया था। इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसका कितना होगा 49, 49 माइनस 4 कितना हो गया 45, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, इसका कितना होगा 81, 81 माइनस 64 आपके पास कितना आ जाता है 17, इसका स्क्वायर कितना होता है 25, इसका कितना होता है 81, दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 1, रिजल्टेंट क्या आया 24। समझ में आ गया। अब चलेंगे स्टेप थ्री में।
स्टेप थ्री में उसने क्या किया था, ये पहली डिजिट को इस पहली डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, फिर दूसरी को दूसरी से किया था, और उसके बाद क्या किया था, उनका सब्ट्रैक्शन किया था। क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था, मतलब 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? 4 और 35, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 31। एम आई राइट? यहां से कितना आया? 10। यहां से कितना आया? 24। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 14। अब हमें किस पे जाना है? स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हमने देखा था कि या तो हमने क्या किया, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, या फिर हमने क्या किया, दोनों के स्क्वायर्स लिए, ऐड किया, इन दोनों के भी स्क्वायर्स लिए, ऐड किया, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। सबसे पहले यहाँ पे इसका गैप देखो कितना आएगा, 31 माइनस 14। 31 माइनस 14 आपके पास कितना आएगा? 17। 17 बाय 2 आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। एम आई राइट? आपके पास किस में आ रहा है? डेसिमल में, मतलब ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये वाला लॉजिक नहीं लग सकता कि आप डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। दूसरा लॉजिक हमने क्या देखा था यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। दोनों को ऐड किया, 10। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा? 17। इसने क्या किया था, दोनों को ऐड किया और उसके बाद दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 10 माइनस 17 आपके पास कितना हो जाता है? 7। एंड दैट इज योर आउटपुट, योर फाइनल आउटपुट। जब भी ऐसे कोई दो तीन लॉजिक्स आपको दिख रहे हो ना कि लग रहे हैं, तो आप हमेशा इसको ये चेक कर लिया करो कि आपके पास यहाँ पे एक होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, बीच में कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम चलेंगे इसके फर्दर क्वेश्चन पे। पहले क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ हाइएस्ट टू लोएस्ट नंबर इन स्टेप सेकेंड। डिफरेंस ऑफ हाइएस्ट टू लोएस्ट नंबर इन स्टेप सेकेंड देख लेते हैं। स्टेप सेकेंड में हाइएस्ट कौन सा आपके पास? 56। लोएस्ट कौन सा है? 17। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? दोनों का डिफरेंस कितना आया? 39। आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये टू नहीं है, ये एंड होगा, हाइएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। ठीक है, वट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर डिजिट्स ऑफ द लोएस्ट नंबर इन स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हमारे पास लोएस्ट नंबर कौन सा है? 14। 14 का उसने क्या बोला है, स्क्वायर्स इन इन डिजिट की स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स इन स्टेप 1। स्टेप 1 में सारी की सारी डिजिट्स का एडिशन। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, उसने डिजिट्स बोला है ना, नंबर्स नहीं बोला। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9। 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 17। 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। अब इन सबको ऐड कर दो, ये होगा 20, ये होगा 37, और ये कितना हो जाएगा? 46। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सारी डिजिट्स बोला ना उसने, सारे नंबर्स नहीं बोला। सारी डिजिट्स का मतलब जो ये अकेले के लिए डिजिट्स है उनको ऐड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल आउटपुट ऑफ स्टेप 4। फाइनल आउटपुट ऑफ स्टेप 4 हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पे? 07। कितना निकलेगा हमारे पास यहाँ पे? 7 निकलेगा। क्या आपको ऑप्शन में यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके के हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन और करते रहेंगे ताकि आपको मेन्स एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, सभी तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लोग लाएंगे। सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।